हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है, जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा उत्पादित, योशिहिरो कोट, त्सुजो कोनो, हिज़र याकुची, मासिहिरो याज़ुसा, अभिनीति हिरोशी अबे, यू नेवास लू, क्रेनी किक, योजिस हेरादा, छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित। हिरोकाज़ु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008, कार्यकारी समय 114 मिनट, देश जापान, भाषा जापानी। योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है, जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विस डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी, उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था, जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है, और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जुनोपेन को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है, हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं, खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और
बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतुषी के लिए गर्मियों हो गई। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रॉयट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है। जब वह क्योही को एतुष्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जूलिया से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जूलिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावी द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह वो टेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा उत्पादित, यू सी हीरो कोट, त्सुजो कोनो, हिजर जाकुछ, मासिहोरो याजुसा अभिनीति, हिरोशी अवे, यू नेव्योस लू क्रैनी किक, योजिस हेरादा छायांकन, युता यामेनशिक द्वारा संपादित। हिरोकाज़ु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख
28 जून 2008 कार्यकारी समय 114 मिनट देश जापान भाषा जापानी योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जॉनी पैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विस डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जोरीपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशी को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गए। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जुनिपिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योकी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी एक क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के गर्भ से गाना गाते हुए सुना और तोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तोशियो को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह ओटेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यही समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकोजु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकोजु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकोजु कोर एड द्वारा उत्पादित, युसी हिरो कोट, त्सुजो कोनो, हिजर जाकुच, मासिहोरो याजोसा अभिनीति, हिरोशी अवे, यू नेव्योस लू क्रेनी किक, योजिस हेरादा, छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित, हिरोकोजु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी श्नेया कबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008, कार्यकारी समय 114 मिनट, देश जापान, भाषा जापानी। योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपे की मौत की याद में इकट्ठा होता है, जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेवित डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी, उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था, जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जुनोपेन को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है, हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं, खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गई। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला वहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है, जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को
ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोठ आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जूलिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थित रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रैगी वह वो टेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा उत्पादित, यू सी हीरो कोट तसीजो कोनो हिजर जाकुच मासिहोरो याजोसा अभिनीति हिरोशी अवे यू नेव्योस लू क्रैनी किक योजिस हेरादा छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित। हिरोकाज़ु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग। प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008 कार्यकारी समय 114 मिनट। देश जापान, भाषा जापानी। योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपी की मौत की याद में इकट्ठा होता है जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विट डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे एतुशी और उनकी बेटे चिनिमी उनके पति और उनके
बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनूब पेन उसका पसंदी बेटा था, जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जुनिपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है, हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं, खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गए। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है। जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनिपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाई से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जुनिपिय की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्था रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह ओटिस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म
समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरकोज कौर ऐद द्वारा लिखित हिरकोज कौर ऐद द्वारा उत्पादित यू सी हीरो कॉट तेसिजो कोनो हिजर जाकुच मासिहोरो याजोसा अभिनीति हिरोशी अवे यू नेव्योस लू क्रैनी किक योजिस हेरादा छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित हिरकोज क्रो ऐद संगीत दिया है गोटिंग प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008 कार्यकारी समय 114 मिनट देश जापान भाषा जापानी योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जॉनी पैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विट डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनो पेन उसका पसंदी बेटा था जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जोनीपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनीफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में दल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशी को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है लेकिन अंत नौकरी की दुर्बल्य और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गई। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जुनिपिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह की सलाह में एक बार मौत की याद
दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है, जो वर्षा के आस भी आकर्षण और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के चश्मे क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के गर्भ से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह ओटिस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकज़ू कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकज़ू कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकज़ू कोर एड द्वारा उत्पादित, योशिहिरो कोट, त्सुजो कोनो, हिज़र जाकुची, मासिहिरो याजुसा अभिनीति, हिरोशी अवे, यू नेव्योस लू, क्रैनी किक, योजिस हेरादा, छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित, हिरोकज़ू कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी श्नेया कबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008, कार्यकारी समय 114 मिनट, देश जापान, भाषा जापानी। योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपे की मौत की याद में इकट्ठा होता है, जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विस डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी, उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था, जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जोरीपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है, हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योकरी से दूर और
ठंडे हैं। खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मी हो गई। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर यॉकरी को बताता है कि वह कला वहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रॉयट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है। जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जूनिपिय की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थित रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह वो टेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा उत्पादित, यू सी हीरो कोट तसीजो कोनो हिजर जाकुच मासिहोरो याजोसा अभिनीति हिरोशी अवे यू नेव्योस लू क्रैनी किक योजिस हेरादा छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित हिरोकाज़ु कोर एड
संगीत दिया है गोटिंग प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा कबोन द्वारा संपादित आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008 कार्यकारी समय 114 मिनट देश जापान भाषा जापानी योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विस डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जोनीपैक को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनीफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियों को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गए। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपैक की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाई से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जोनीपैक की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योकी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तोशियो को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है।
ड्रैगी वह ओटिस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा उत्पादित, योशिहिरो कोट, त्सुजो कोनो, हिज़र जाकुचि, मासिहिरो याजुसा अभिनीति, हिरोशी अवे, यू नेव्योस लू क्रेनी किक, योजिस हेरादा, छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित, हिरोकाज़ु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008, कार्यकारी समय 114 मिनट, देश जापान, भाषा जापानी। योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है, जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सर्विस डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी, उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था, जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जोनीपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है, हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनीफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में दल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशी को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं, खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गई। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है,
जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जूलिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी एक क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के गर्भ से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह ओटिस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकोजु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकोजु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकोजु कोर एड द्वारा उत्पादित, यूसी हीरो कोट, तेसिजो कोनो, हिजर जाकुच, मासिहोरो याजोसा अभिनीति, हिरोशी अवे, यू नेव्योस लू क्रेनी किक, योजिस हेरादा, छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित, हिरोकोजु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी श्नेया कबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008, कार्यकारी समय 114 मिनट, देश जापान, भाषा जापानी। योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपे की मौत की याद में इकट्ठा होता है जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विस डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं
जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युवती से एक युवा बेटे हितोषी और उनके बेटे चिनिमी उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनू पेन उसका पसंदी बेटा था जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जोरीपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया इस दौरान, क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योक्री से दूर और ठंडे हैं। खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गई। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योक्री को बताता है कि वह कला वहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है जब वह क्योही को एतुष्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जुनिपिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थित रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने क्योहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रैगी वह वो टेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े
बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरकोज कौर ऐद द्वारा लिखित हिरकोज कौर ऐद द्वारा उत्पादित यू सी हीरो कॉट तसीजो कोनो हिजर या कुछ मासी होरो या जूसा अभिनीति हिरोशी अवे यू नेवियोस लू क्रैनी किक योजिस हेरादा छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित हिरकोज क्रो ऐद संगीत दिया है गोटिंग प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008 कार्यकारी समय 114 मिनट देश जापान भाषा जापानी योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जॉनी पैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विट डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे एतुशी और उनकी बेटे चिनिमी उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनो पेन उसका पसंदी बेटा था जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जोरीपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गए। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है जब वह क्योही को एतुशियाय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपा से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है
और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जुनिपियर की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आसपी क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावी द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह वो टेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा उत्पादित, यू सी हीरो कोट, त्सुजो कोनो, हिजर जाकुच, मासिहोरो याजुसा अभिनीति, हिरोशी अवे, यू नेव्योस लू क्रैनी किक, योजिस हेरादा छायांकन, युता यामेनशिक द्वारा संपादित, हिरोकाज़ु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008, कार्यकारी समय 114 मिनट, देश जापान, भाषा जापानी। योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपे की मौत की याद में इकट्ठा होता है जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विस डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी, उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जुनिपर को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है।
हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में दल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं, खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बल्य और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गई। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है। जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनिपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जुनिपिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी एक क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के गर्म से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह ओटेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकोजु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकोजु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकोजु कोर एड द्वारा उत्पादित, यूसी हीरो कोट, तेसिजो कोनो, हिजर जाकुच,
मासी हो रोज या जूसा, अभिनीति हिरोसी अवे यू नेव्योस लू क्रैनी किक योजिस हेरादा छायांकन युता यामेंशिक द्वारा संपादित हिरकोज क्रो एद संगीत दिया है गोटिंग प्रोड्यूसर कंपनी श्नेया कबोन द्वारा संपादित आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008 कार्यकारी समय 114 मिनट देश जापान भाषा जापानी योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनी पैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेवित डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जुनिपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योक्री से दूर और ठंडे हैं खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गई। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला वहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जुनिपिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आस भी एक क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थित रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें
जो है अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तलाशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगेस के सुनने के तोशियो को अपरोधित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह वो टेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है, क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा उत्पादित, योशिहिरो कोट, त्सुजो कोनो, हिज़र याकुची, मासुहिरो याज़ुसा अभिनेत्री, हिरोशी अबे, यू नेवास लू क्रैनी किक, योजिस हिरादा, छायांकन युता यामेनशिक द्वारा संपादित। हिरोकाज़ु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008, कार्यकारी समय 114 मिनट, देश जापान, भाषा जापानी। योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है, जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सेर्विट डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे एतुशी और उनकी बेटे चिनिमी, उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपेन उसका पसंदी बेटा था, जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जोरीपेद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है, हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में ढल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशियो को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं, खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गए। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन
बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रॉयट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है। जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जूलिया से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जूलिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योशी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है जो वर्षा के आसपी क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के घर से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावी द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह वो टेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक 2008 की जापानी फिल्म है जिसे हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा संपादित, लिखित और निर्देशित किया गया है। फिल्म लगभग 24 घंटे से अधिक समय तक एक परिवार का एक चरित्र है क्योंकि वे सबसे बड़े बेटे की मृत्यु का जेफरी मनाते हैं। फिल्म को समीक्षाओं द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है और 2008 बार डेल वेटल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्ड एस्टर जीता। निर्देशक हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा लिखित, हिरोकाज़ु कोर एड द्वारा उत्पादित, यू सी हीरो कोट, त्सुजो कोनो, हिजर जाकुछ, मासिहोरो याजुसा अभिनीति, हिरोशी अवे, यू नेव्योस लू क्रैनी किक, योजिस हेरादा छायांकन, युता यामेनशिक द्वारा संपादित। हिरोकाज़ु कोर एड संगीत दिया है गोटिंग, प्रोड्यूसर कंपनी स्नेहा केबोन द्वारा संपादित। आईसी फिल्म रिलीज की तारीख 28 जून 2008, कार्यकारी समय 114 मिनट, देश जापान, भाषा जापानी।
योकोयाम परिवार हर साल सबसे बड़े बेटे जोनीपैक की मौत की याद में इकट्ठा होता है, जो 12 साल पहले एक लड़के की जान बचाते हुए दुर्घटना निवास डूब गया था। उनके पिता क्योहिट एक सर्विस डॉक्टर और माँ तोकिशी उनके जीवित बेटे रिटोन से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हाल ही में एक विधवा युक्री से एक युवा बेटे हितोशी और उनकी बेटे चिनिमी उनके पति और उनके बच्चे के साथ विवाह किया है। रोड यह जानकार नाराज हो जाता है कि जुनोपैन उसका पसंदी बेटा था, जिसका सामना अभी भी तोशिको से अध्याता रह गया है और उसके माता पिता उसके बारे में नकारात्मक यादों श्रेया जुनिपैद को देता है। एक कड़वा क्रोट जो अभी भी अपने बेटे का शौक बना रहा है, हमेशा निराश रहा है कि रोडियो डॉक्टर बनने पर जोनिफियो जैसे पारकिशी व्यवसाय को संभालने के बजाय कला महली में दल गया। इस दौरान क्योंकि और तुलिशी को शुरू में योकरी से दूर और ठंडे हैं, खुले तौर पर यह मानते हैं कि रियोड के लिए एक विधवा से शादी करना दुर्भाग्य है, लेकिन अंत नौकरी की दुर्बलता और बंधन के लिए धक्का देने के कारण उनके और शामिल अंतशी के लिए गर्मियों हो गए। परिवार अपने निजी जीवन और क्रिया को याद करने और चर्च करने में दिन बिताता है। हालांकि रोड केवल निजी तौर पर योकरी को बताता है कि वह कला बहनी के अपने क्षेत्र में लाभकारी रोजगार खोजने के लिए संघर्ष कर रहा है। रोयोट अपने पिता का सामना करने की कोशिश करता है, जब वह क्योही को एतुश्याय को दबाव में जाने की सलाह देते हैं, लेकिन क्योहिनी उसके प्रयासों को ठुकरा देता है। शाम को योशिनी उसने मिलने जाते हैं। लड़का जोनीपी की 12 साल पहले मौत हो गई थी। बैठक तुनपूर्ण और सहज है। अधिकांश परिवार नाराज और निराश है कि योशी अब 25 मोट आलसी और लक्ष्यहीन है और मानना है कि उसे जूलिया के बजाय मारा जाना चाहिए था। केवल रिटोन जो जोलीपाय से हीन भाव के साथ सहमत रहता है उसका बचाव करता है और तोशिको से उसे आमंत्रित करना बंद करने और जुनिपिया की मौत पर उसे दोषी महसूस करने के लिए कहा जाता है कि दोष ठहराया जाता है और बहुत अधिक होगा और यह कि सलाह में एक बार मौत की याद दिलाना कम से कम योशी कर सकता है। चीनी और उसका परिवार घर के लिए प्रस्तुत करते हैं और परिवार के बाकी लोग रात के खानों के लिए इकट्ठा होते हैं। योकी तलाश और क्योनी की शादी के बारे में सवाल पूछता है, जो वर्षा के आस भी एक क्वेश्चन और निराश को प्रकट करता है। हालांकि यौवन फिर भी एक साथ रहते हैं। तकोशी ने युवा व्यवस्थ रोमांटिक गीत ब्लैनी और योमिको को योकिश के जिसमें क्योहई अनजान थे। तोशियो बताते हैं कि एक रात उसने कोहली को किसी अन्य महिला के गर्म से गाना गाते हुए सुना और तलोशी ने फिर गाने के अलावा द्रोहियों के लिए ब्रिगिस के सुनने के तकोशियों को अप्रोदित कर दिया। एक तितली घर में घुस जाती है और तनोनी को तस्वीर उतार देती है। ड्रेगी वह ओटेस्ट ऑफ बच्चा पैदा करते हैं। यह वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। आई हो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।